हेलो फ्रेंड्स, सभी को मैं सबुस टॉक्स में स्वागत करती हूँ। और आज का ट्रिप काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम जा रहे हैं कोडेकनाल, वो भी केरला से होते हुए कोडेकनाल जा रहे हैं। तो सोच कर देखिए कितना इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल रहेगा, और ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी रहने वाली है। सो स्टे ट्यून विथ माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स, एंड आगे देखिए क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सो गाइज, हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था केरला के आलप्पी डिस्ट्रिक्ट से। आलप्पी डिस्ट्रिक्ट से मैं एक ईजी वे में बताने वाली हूँ कोडेकनाल के ओर जाने के लिए। अगर आप लोग आलप्पी से ट्रैवल कर रहे हैं तो कुमरगम कोटयम होते हुए पाम्बाडी, कान्यडप्पली, पीरीमेड, कुमली, ये रूट पकड़ते हुए हम तमिलनाडु एंटर कर सकते हैं, क्योंकि कोडेकनाल लोकेट करते हैं तमिलनाडु स्टेट में। तो यहाँ पे काफ़ी एरिया हम केरला का कवर करने वाले हैं। सेम टाइम हम बहुत व्यूज कैप्चर करने वाले हैं। गाइस, जैसे आप लोग जानते हैं केरला इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री, क्यों नहीं बोलेंगे। इतना अमेजिंग व्यूज, हिल व्यूज, माउंटेन व्यूज, हिल स्टेशंस, वाटरफॉल, रबर एस्टेट्स, टी एस्टेट्स, बीच व्यूज, सो अमेजिंग। एंड ग्रीनरी तो एक ट्रेडमार्क है केरला का, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। और वाटरफॉल, एक छोटा सा वाटरफॉल भी हमारे ट्रैवलिंग के द्वारा हम कवर कर रहे हैं, वो है वरिन्यानम वाटरफॉल। एक रोड के साइड में ही हमें मिलेगा, और हम वहाँ से फ़ोटोज़ एंड वीडियोस ले सकते हैं। और काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया, और काफ़ी अमेजिंग व्यूज़, काफ़ी अमेजिंग नज़ारा, एंड दिल खुश हो गया। सो वाटरफॉल देखते हुए हम आगे चलते हैं, तो एक बड़ा सा टी गार्डन हमें देखने को मिला। काफ़ी टी एस्टेट्स हमने क्रॉस किया है, सो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस वन। सुबह के टाइम पे सूरज की रोशनी जो टी गार्डन पे पड़ रहा है, तो वो जो ग्रीन काफ़ी ज़्यादा खिल रहा है, और एक गाना भी याद आ रहा है, रोशनी से भरे 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 नैना तेरे, बहुत खूबसूरत नज़ारा, वंडरफुल, अमेजिंग। आगे चलते हमें बहुत बड़ा पाइप्स देखने को मिला। ये एक्चुअली केरला के डैम से पानी तमिलनाडु लेकर जाने के लिए सेट किया गया पाइप्स है। हम तमिलनाडु एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे कंबम तेनी ये सब एरिया कवर करते हुए जाएंगे। दीज एरियाज आर फेमस फॉर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कल्टिवेशन। वहाँ पे हम एक ग्रेप गार्डन भी विजिट किया गया, और काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिला, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, वेरी ब्यूटीफुल और नाइस प्लेस। दोस्तों, कंबम तेनी से 3 to 4 hours ट्रैवल करते हुए हम फाइनली पहुँच चुके हैं कोडेकनाल। आई एम वेरी एक्साइटेड। और यहाँ का वेदर तो बहुत ही प्यारा था, ठंडा हो रहा था, कोहरा छाया हुआ था, ड्रिसलिंग हो रहा था, इतना प्यारा वेदर। कोकस वॉक कोडेकनाल बस स्टैंड के बहुत ही सामने है, और यहाँ पे माउंटेन व्यू एंजॉय करते हुए काफ़ी एरिया हम वॉक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगी। जो भी कोडेकनाल का ट्रिप प्लान कर रहे हो, उनको कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कैरी करना ज़रूरी होता है। जैसे आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो तो गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड एक ई पास, वो हमें ऑनलाइन लेना पड़ेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरी कैरी करना चाहिए, क्योंकि कोडेकनाल एंटर करने से पहले बहुत जगह पे पुलिस का चेकिंग होता है, वो लोग ये डॉक्यूमेंट्स मांगते भी हैं, और अगर हमने नहीं प्रोवाइड किया तो फाइन भी डाल सकते हैं। तो ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कैरी कर लीजिएगा। और कोडेकनाल नो प्लास्टिक जोन माना जाता है, इसलिए प्लास्टिक अवॉइड कर लीजिएगा। और या इस कोकस वॉक में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड
वैराइटीज ऑफ स्ट्रीट फूड एंड गेम्स हम एंजॉय कर सकते हैं। हमने काफ़ी टाइम कॉकस वॉक में स्पेंड किया। इतना दूर ट्रैवल करने के बाद काफ़ी थक चुके थे। हमने कोडैकनल टाउन के पास ही एक कॉटेज बुक किया। 3000 रुपीस में कॉटेज मिल गया। सो गाइस, कोडैकनल का सारा प्लेसेस हम एक ही दिन में कवर नहीं कर सकते, और वैसे भी हम पहुंचते बहुत लेट हो चुके हैं, शाम हो चुके हैं, सो टायर्ड है। तो हम आज रेस्ट करेंगे, नेक्स्ट डे कोडैकनल का बाकी प्लेसेस विजिट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियोस अच्छा लगे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स ऑफ कोडैकनल। टिल देन, बाय बाय।